साथ साथियों, आठ फ्रेश के बाद हमारा केस टेकअप हुआ। हमारी तरफ से सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब, फार ब्रांड एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा सर, हम सबके विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर ने विधिवत और विस्तार पूर्वक हमारा पक्ष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिनव त्रिवेदी जी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द से जल्द 68,500 भर्ती परीक्षा संपन्न कराना चाहती है, जिसके लिए सरकार कोर्ट का हर आदेश मानने को तैयार है। साथियों, कोर्ट ने बताया कि कोर्ट इन जो संदेहास्पद क्वेश्चंस हैं, जिनको सिंगल बेंच ने 14 अंक को डिलीट करते हुए हम लोगों को अंक प्रदान किया है, क्वेश्चन पेपर से जिनको निकाल दिया गया है, उनको एक हाई लेवल कमेटी गठित करके उस कमेटी के पास वो क्वेश्चन कोर्ट भेज रही है। साथियों, इस इतनी बात पे कुछ और जो आई स्पेशल अपील्स फाइल थी, उन अपील में जो उनके एडवोकेट थे, नूतन ठाकुर जी भी थी कोर्ट में, और भी एडवोकेट थे, उन सारे वकीलों ने कहा कि जब कमेटी हाई लेवल कमेटी गठित हो रही है, तो क्यों ना जो हमने आपत्तियां की थी और हमको सिंगल बेंच में सुनने का अवसर नहीं दिया गया था, हमारी बातों पे विचार नहीं किया गया, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन उन्होंने सुझाए जो भी कमेटी को भेजने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने ऐसे 6 क्वेश्चंस पे हामी भरी, 6 प्रश्नों पे हामी भरी। तो हमारे जो 14 क्वेश्चन थे, उनमें से 4 आउट ऑफ सिलेबस हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके या तो प्रश्न ही गलत हैं, या उनके अंक एक से अधिक ऑप्शन उनके सही हैं, या उनका विकल्प ही प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है, सही विकल्प ही नहीं दिया गया है। ऐसे 10 क्वेश्चनों को कोर्ट ने कमेटी के पास में भेजने का फैसला सुनाया। इसी के साथ जो 6 क्वेश्चन और अन्य जो स्पेशल अपील्स थे, उनको भी बोला गया कि हमारे एडवोकेट को हमें वो लोग, उनके वकील वो 6 क्वेश्चन देंगे और फिर हम उसकी आज चार्ट बना के उपलब्ध करा देंगे सुबह कोर्ट को, सुबह कोर्ट अपना एक निर्णय, एक तरीके का आर्डर लिख देगी कमेटी के लिए। कमेटी का प्रारूप क्या होगा, कमेटी में कौन से लोग होंगे, कमेटी गठित करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, कमेटी का हेड कौन रहेगा, ये सारी चीजें कोर्ट के अंडर में रहेंगी। ना तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप रहेगा और ना ही पेटिशनर्स का, हम लोगों का, मतलब कोई भी उसमें इंटरफेयर, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसी के साथ जो 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जिनको कि सरकार आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान रही है, सरकार आज भी मानने को तैयार नहीं है, सिंगल बेंच में भी मानने को तैयार नहीं थी, उस पे आज भी सीनियर एडवोकेट अभिनव त्रिवेदी जी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो इनको आने चाहिए, जो इनको जनरल तरीके के, एक तरीके से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, इस तरीके की उन्होंने बातें की। तो इस पे हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब ने सीधे सीधे कहा, चूंकि वो क्वेश्चन भी कोर्ट भेज रही थी कमेटी को, तो इस पे आपत्ति दर्ज कराते हुए सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब ने उन क्वेश्चनों पे को कमेटी को भेजने पे आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और जिसको यदि कोर्ट मुझे अभी समय दे दे तो मैं अभी बहुत ही कम समय में इसको सिद्ध कर सकता हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। और आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है ये कमेटी के पास जाने से सिद्ध नहीं होगा, ये हमारा और आपका, मतलब कोर्ट का और हम लोगों का विषय है, जो कि ये गाइडलाइन से अलग है, ये इनके जो निर्देशिका जारी की है इन्होंने उससे इतर है, और ऐसे में ये हमारे इस कोर्ट का, इस पे बहस का एक मुद्दा है जिस पे हम इसको सिद्ध कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही कम समय में इसको साबित कर दूंगा कि ये वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस और सिंगल बेंच का आर्डर इस पे बिल्कुल सही और सटीक है। इसी क्रम में कोर्ट जयदीप नारायण माथुर साहब ने कोर्ट को बताया कि जो 14 अंक का डिलीट का जो आर्डर माननीय सिंगल बेंच से हुआ था, उस सिंगल बेंच के 14 अंक डिलीट होने से बहुत से बच्चों का नुकसान हो रहा है, चूंकि 14 मिनट का नुकसान हो रहा है। अगर उन 14 क्वेश्चनों की जगह पे सही प्रश्न रख दे तो शायद उन सही प्रश्नों में जो सिलेबस से रखते या सही रखते, सही तरीके से पूछते, तो उसमें से बहुत से हमें आते होते और हमारे लोग उनको करके आते और आज ऐसी नौबत या ऐसी स्थितियां नहीं बनती कि हम कोर्ट में आते।
जिस पे कोर्ट सहमत दिखी। और इन सब चीजों का लज्जोलवाब ये निकला कि माथुर साहब ने ये साबित कर दिया कि जो 14 अंक डिलीट किए गए हैं उन पे ग्रेस मार्क दिया जाना चाहिए। इसको इस बात को हम धन्यवाद देना चाहते हैं नूतन ठाकुर जी को कि वो भी आई और उन्होंने भी अच्छी तरीके से बात करते हुए कोर्ट को बताया कि जो 14 अंक डिलीट हुआ है, डिलीट होने के बजाय ग्रेस मार्क देना ज्यादा न्यायोचित है, क्योंकि 14 अंक डिलीट होने से जो संस्कृत लिए हैं तो 136 की मेरिट बनेगी, और जो संस्कृत नहीं लिए हैं जिनके पास इंग्लिश और उर्दू है उनके लिए 138 की मेरिट बनेगी। एक परीक्षा में दो तरीके का कट ऑफ नहीं संभव नहीं लगता है, वो पॉसिबल नहीं है। दार्शिप इस वजह से एक कॉमन ग्रेस मार्क देना ज्यादा न्यायोचित है। कोर्ट इन सारी चीजों पर, सारी दलीलों पर सहमत दिखी। हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर ने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की थी, पूरी अच्छी तरीके से उपेंद्र मिश्रा सर को ब्रीफ किया था, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कोर्ट के सामने हमारी सारी मांगों को, सारी बातों को रखा। और आज का दिन हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही बेहतर रहा, क्योंकि हम पहले ही दिन से, जिस दिन हमने रिट डाली थी तभी से हम लगातार मांग करते चले आ रहे थे कि हम सही हैं, हम 14 अंक पे सही हैं, हमारे इन प्रश्नों की हाई लेवल कमेटी से जाँच करा ली जाए। और आज वो हुआ कि चूंकि कुछ लोगों को हो सकता है, लगता हो कि हमने कोर्ट को गुमराह करके या गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसे 14 अंक गलत साबित करवा लिए हैं, तो उनकी ये भूल है, उनकी ये गलत फहमी है। हमारे पास 14 अंकों के साक्ष्य हैं, सबूत हैं, 14 पे हम मजबूत थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो आप भी जानते हो। और कोई यदि ये कहता है कि विशेषज्ञ किसी के दबाव में आ जाएंगे, तो यह भी उनकी एक तरीके की बहुत बड़ी भूल है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ पीएचडी होल्डर होते हैं और कोर्ट मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में यदि उसके बाद भी हमें मौका मिलेगा बहस का, उसके बाद भी हम उस पर बहस करेंगे, और यदि ऐसे में ये सिद्ध हो जाता है कि किसी एक्सपर्ट ने गलत ओपिनियन दे दी है, गलत राय दे दी है, तो उस हालत में उस एक्सपर्ट की यदि हम सही सिद्ध, गलत सिद्ध कर पाए उसको, तो उसकी डिग्री भी जा सकती है। तो ऐसी स्थितियों में एक्सपर्ट कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि एक्सपर्ट कोई भी गलत ओपिनियन, गलत राय नहीं देंगे, जो सही है, जो आप जानते हो सही है, जो हम जानते हैं सही है, जो कोर्ट मान चुका है सही है, वही राय एक्सपर्ट के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा दी जाएगी। विशेषज्ञ पूरी तरीके से एक स्वतंत्र संस्था होगी, जिसपे, जिसको केवल कोर्ट जानेगा, एक प्रकार से कोर्ट ही मॉनिटर करेगा कि विशेषज्ञ कौन होंगे, कैसे होंगे, ये पूरी बॉडी विशेषज्ञ ही डिजाइन करेगा। और पूरा निर्णय आ जाने के बाद, पूरा फैसला हो जाने के बाद, पूरी जांच हो जाने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि विशेषज्ञ कौन है। और यदि ऐसी स्थितियां बनी, विशेषज्ञ के पास जाने का हमें मौका मिला, तो विशेषज्ञ के पास भी, सामने भी जाके हम अपना पक्ष रख देंगे, हमारे जो साक्ष्य हैं उनको भी विशेषज्ञ प्रस्तुत करवाया जाएगा। तो कुल मिला के आज की स्थितियां ये है कि हम जीत की तरफ, पूर्ण जीत की तरफ अग्रसर हैं। उसमें माननीय डबल बेंच का थप्पा लगना शेष है। साथियों, बहस शेष अभी बाकी है, एक्सपर्ट की ओपिनियन के बाद बहस बाकी है, 4 आउट ऑफ सिलेबस पे बहस अभी बाकी है, 4 आउट ऑफ सिलेबस को सिद्ध करना कि आउट ऑफ सिलेबस है। आज की तारीख में जयदीप नारायण माथुर साहब के ही बस की बात है, क्योंकि ये डबल बेंच है और डबल बेंच में मामला बहुत ही गंभीर होता है। डबल बेंच में जो वकील होते हैं अगर अच्छी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, तो माननीय कोर्ट उनको उतनी तवज्जो से सुनती नहीं है, और कई कई मामलों में सुनती भी नहीं है, डांट भी देती है। मैंने खुद देखा, अच्छे अच्छों को डांट देते हुए इसी बेंच में मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। साथियों, आज स्थितियां ऐसी हैं कि अब हम लोग पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, हम पहले से ही माथुर साहब का और मिश्रा सर का बकाया पिछला नहीं दे पाए हैं, आज तक कैसे यहाँ पे आए हैं ये हम जानते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। हमारी फितरत नहीं है कि हम बार बार आपसे आग्रह करें, बार बार आपसे गुहार करें। हाँ, हम एक बात आज पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि अगर स्थितियां यही रही और अगर हमें अगली डेट से पहले आपके द्वारा माथुर साहब का और उपेंद्र मिश्रा सर का पूरा बकाया भुगतान करने भर का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ,
तो ऐसी कंडीशन में हम आगे से उपेंद्र मिश्रा सर और माथुर साहब को कोर्ट रूम में लाने में सक्षम नहीं होंगे। आज हम स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा देना चाहते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपको लगता है कि आज तक हमने सही दिशा में और सटीक कार्य किया है, सार्थक प्रयास किए हैं और सार्थक परिणाम दिलाए हैं, तो आप हमारे साथ आइए। यदि आपको लगता है कि हमारे परिणामों में, हमारे कार्यों में, हमारी जो आज तक की कार्य प्रणाली है उसमें कहीं पर भी यदि 1% की भी आपको गुंजाइश, शक की गुंजाइश लगती है, तो बेशक निसंकोच आप हमारा सहयोग मत करिए, साथ मत दीजिए। आज तक जो मैं संतुष्ट हूँ कि आज तक मैंने जो किया वो जिम्मेदारी से किया और आपके सामने परिणाम के रूप में आज आपके सामने उपस्थित कर दिया। आगे से मैं आज पहले से बोल रहा हूँ कि यदि स्थितियां यही रही तो हम सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब को और उपेंद्र मिश्रा सर को आगे की डेटों में कोर्ट में प्रेजेंट करवाने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप होंगे और वह 63,000 लोग होंगे जो पास तो होना चाहते हैं, जो परिणाम तो चाहते हैं, जो आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सहयोग करना नहीं चाहते हैं। हमें मात्र 200 लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जो आप खुद ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि 63,000 लोगों को लाभ होगा और 200 लोग अगर उसमें साथ और सहयोग दे रहे हैं और 200 लोगों के बल पे आज हम अगर यहाँ तक लड़ाए हैं, अगर आप में से कुछ लोग और आगे आ गए तो हम आगे जो 14 अंक की बात आउट ऑफ सिलेबस सही, जो 14 अंक की बात हम आज कर रहे हैं वो कामन और ग्रेस करवा कर ही लाएंगे। आज उसकी रूपरेखा और नींव डाल दी गई है। कामन पे आज कोर्ट ने सहमति दर्ज करा दी है। आज आउट ऑफ सिलेबस को सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब ने चैलेंज करते हुए कहा कि मैं बहुत ही कम समय में इसको कोर्ट में ही सिद्ध कर सकता हूँ, कर दूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी जिम्मेदारी आपकी है, चिड़िया का बच्चा आपके हाथ में है, अब चाहे तो इसको मार दीजिए और चाहे तो उड़ा दीजिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है। 68,500 भर्ती में आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं, ये फैसला अब आपको करना है। आज मैं जितना लड़ सकता था, हमारी टीम जहां तक संघर्ष कर सकती थी वहां तक हमने संघर्ष किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी टीम के उन जुझारू कमांडोज का जो अपने अपने अड्डे पे, अपने अपने पोल पे अडिक रहे और उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बेहतर परिणाम दिए। और हम आज जो कुछ भी है, सारे जो आज तक के जो भी परिणाम है वो हमारी टीम के बदौलत ही हुए। हम कोटि सा धन्यवाद करते हैं हमारी टीम को और लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर को, जिन्होंने आज हमें अभिभावक बनकर यहाँ तक पहुँचाया। साथियों, बातें बहुत सी हैं, विचार करना आपको है, गेंद आपके पाले में है। इसी के साथ आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद।